मुख्यमंत्री जी द्वारा मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन में मुख्यमंत्री जी करने का निर्णय लिया गया। सात के लिए सात वैन क्रय करने का निर्णय लिया गया। दिखाकर माननीय की गोलियां खाई है, यानी कि कह सकते एक बार फिर से सुसाइड करने का प्रयास किया है, क्या कारण रहा स्टूडेंट के तनाव का? बिल्कुल गोलमी, ये मेडिकल की तैयारी कर रहा था और 2018 से ये मेडिकल की तैयारी करने का सोचा आया हुआ था और इसने पहले भी यहाँ पे जो एलएम कोचिंग में यहाँ पे दाखिला दिया था। अब वो जो सेल्फ स्टडी जो इसकी पढ़ाई कर रहा था ऑनलाइन, अब इसने रात को यही कर लिया कि टेस्ट की वजह से इसके टेस्ट जो बिगड़ा था उसको लेकर डिस्कशन में कहा अपनी सुविधाओं को पहुंचाएगी और कैंसर जांच के लिए ये बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी। और इन वैंस के शुभारंभ के मौके पर कैंसर की जंग में शामिल हमारे सभी देवतुल्य चिकित्सकों का, यशस्वी चिकित्सकों का एक बार हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जयपुर RENEW पावर, रिन्यू पावर, रिन्यू पावर, ये पहली मोबाइल वैन का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से हरी झंडी के साथ, हरी झंडी के साथ। ₹1,25,00,000 रुपए की राशि से ₹1,25,00,000 की राशि से ये पहली मोबाइल वैन का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से। और अगली ये वैन जोधपुर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के सौजन्य से ये अगली जोधपुर की ये मोबाइल निदान वैन। और इनके शुभारंभ के बाद, ये लोकार्पण के बाद फील्ड के लिए ये रवाना हो रही है हमारी मोबाइल वैन। और अब इस क्रम में तीसरी मोबाइल वैन बीकानेर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL के सौजन्य से ये अगली बीकानेर के संभाग के लिए ये वैन। हम आपको बता दें उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भेंट की गई वैन और उसके प्रतिनिधि अरुण मिश्रा जी यहां मौजूद हैं। बीकानेर की ये वैन और उसके बाद कोटा, कोटा की ये वैन लोकार्पित ग्रीनको ग्रुप द्वारा भेंट की गई ये वैन। कोटा की ये कोटा संभाग के लिए, कोटा के गांव गांव ढाणी ढाणी तक अपनी सुविधाओं की पहुंच को ये सुनिश्चित करेगी मोबाइल कैंसर निदान वैन। और ये अंतिम वैन भरतपुर संभाग के लिए, भरतपुर संभाग जयपुर, भरतपुर संभाग के लिए एलएम मित्तल HPCL MEL भरतपुर संभाग के लिए ये वैन। ये आज 6 वैन का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर किया गया और ये सभी